हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए वो सारी कैपेबिलिटीज है जो एक फ्रीलांसर में होनी चाहिए। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि फ्रीलांसर बनने के लिए आपको बहुत सारी रोल्स को एक साथ निभाना पड़ता है। आपको खुद ही अकाउंटिंग करनी है, खुद ही बिलिंग करनी है, खुद ही आपको लीड जनरेट करनी है, खुद ही आपको इनवॉइसिंग करनी है, उसके बाद खुद ही आपको सेल्स आफ्टर सर्विसेज देनी है। तो ऐसे केस पे यहाँ पे एक फ्रीलांसर को हमेशा चार स्किल्स की जरूरत होती है, चार कैटेगरीज की स्किल्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहली कैटेगरी है टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल की जब हम बात करते हैं तो इसमें वो कोई सी भी स्किल आ सकती है, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, या फिर iOS डेवलपमेंट, या जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी स्पेसिफिक फील्ड है। यहाँ पे आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं या किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आप कंपनी के दूसरे एम्प्लॉयज से पूछ सकते हैं, आपके जो कलीग्स हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, और वो आपकी कई बार प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। बट जब आप एक फ्रीलांसर बनते हैं तो घर पे बैठे बैठे आपको वो प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना होता है, और खुद ही आपको गूगल की हेल्प लेनी होती है। आपके पास कोई डायरेक्ट रिसोर्स नहीं होता जो कि आपको हेल्प करेगा। तो आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फिर एज अ फ्रीलांसर जो सेकंड स्किल है वो आप में होनी चाहिए, बिजनेस स्किल्स। देखिए, यहाँ पे अगर आपको फ्रीलांसिंग जर्नी में खुद के लिए कुछ भी काम चाहिए, खुद के लिए कोई भी प्रोजेक्ट चाहिए, तो ऐसे केस में जब तक आप लीड जनरेट नहीं करेंगे, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्स नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ऑर्डर को क्लोज नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लिए काम नहीं ला सकते। तो अगर आपके पास बिजनेस स्किल्स नहीं है तो आपके लिए काम लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। सो दिस वॉज द सेकेंड स्किल। उसके बाद आप में जो थर्ड स्किल है वो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। देखिए, जब भी आप एक कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी खुद ही डिसाइड करती है कि कितने वर्किंग आवर्स लगेंगे, कितने एफर्ट्स लगेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स लाइक बिलिंग, अकाउंटिंग, सेल्स एंड सेल्स आफ्टर सपोर्ट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्लाइंट्स के साथ कॉल कैसे मैनेज किए जाने हैं, आपके HR आपको मैनेज करती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये सारी स्किल्स भी आप में होनी चाहिए। विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आप ये भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको पहले कौन सा प्रोजेक्ट करना है, आपको किसी क्लाइंट से कितनी देर तक बात करनी है, आपको किसी क्लाइंट के रिप्लाई का कितनी देर तक इंतज़ार करना चाहिए। और जो भी अगर आपके पास कोई ऐसा वर्क आता है जो कि आप किसी को आउटसोर्स करना चाहते हैं, तो आपने वो ऑर्गेनाइजेशन जब तक आपने वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स नहीं होंगी कि आउटसोर्सिंग कैसे की जाती है और क्वालिटी एश्योरेंस कैसे किया जाता है, तो तब तक आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। इसके इसके बाद आती है इंटरपर्सनल स्किल्स, जो चौथी स्किल हर एक फ्रीलांसर में होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इसमें वो सारी स्किल्स आती है जैसे कि आपकी सेल्फ लर्निंग स्किल, क्या आप में सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ है? क्योंकि जब आप IT इंडस्ट्री में होते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में होते हैं, तो ये इंडस्ट्री बहुत फास्ट चेंज होती है। यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज आती है, नई नई लाइब्रेरीज आती है, नए नए पैकेजेस आते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप में सेल्फ लर्निंग की स्किल नहीं है, अगर आप खुद सेल्फ कोई नया काम सीख नहीं सकते, या फिर आप में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या फिर आपने खुद को सेल्फ मैनेज करने की, आपको सेल्फ को खुद को मोटिवेट करने की और सेल्फ को मेंटली हेल्थी रखने की स्किल्स नहीं है, तो ऐसे केस में आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, या फिर फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। तो मैं यहाँ पे बस यही चीज़ क्लियर करना चाहता था कि इफ़ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग तो आपको यहाँ पे चार अलग अलग टाइप की कैटेगरीज की स्किल्स आनी चाहिए। जब आप किसी भी ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी एक सिर्फ टेक्निकल स्किल से ही आपका काम चल जाता है, बाकी जो आपके अलग अलग ऑफिस के डिपार्टमेंट होते हैं वो बाकी सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। बट इन केस ऑफ बीइंग अ फ्रीलांसर आपको आनी चाहिए टेक्निकल स्किल्स, जो भी आप काम करेंगे, उसके बाद आनी चाहिए आपको बिजनेस स्किल्स, जो कि आप लीड जनरेट करने के काम आएंगी, आपको जो सेल्स करने के काम आएंगी एंड जो मार्केटिंग करने के काम आएगी। उसके बाद आपके पास होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, जिससे कि अगर आप किसी से भी आउटसोर्स काम करवाना चाहते हैं, या फिर आप क्लाइंट से कॉल कैसे शेड्यूल करेंगे, आप उनसे बात कैसे करेंगे, आपका बिहेवियर उनके साथ कैसा होगा, इस तरीके की जो भी स्किल्स होंगी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होगी। आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करेंगे,
आप अपनी टास्क लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, आप किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देंगे, ये सारी आ जाएंगी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। एंड थर्ड आती है, और इसके बाद जो लास्ट स्किल है दैट इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसमें कि आप आपको हमेशा सेल्फ लर्निंग करते रहना है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आती है आपको उन्हें अडॉप्ट करते रहना है, और सबसे अच्छे से इन बाकी सारी चीज़ों को भी, अपनी मेंटल हेल्थ को भी, अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी मैनेज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास ये चारों स्किल्स नहीं है और आप सीखना भी नहीं चाहते तो फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप में ये चारों स्किल्स हैं, या फिर अगर आपके पास स्किल नहीं है और आप सीखना चाहते हैं ये सारे स्किल, आप चाहते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ें इम्प्रूव कर लूँगा, तो ही आपकी जो फ्रीलांसिंग जर्नी है वो अच्छे से चलेगी, तो ही आप उसमें सक्सेस हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज फ्रीलांसिंग करना बहुत ही मुश्किल है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।